गाड़ी यहाँ कब्रिस्तान में दफन है? जी हाँ, डैड की कब्र के पास। आइए। साहब, ये निकला। वो कार कहाँ गई? यही तो दफन की थी। वो कार अपने आप यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए। उस कार में मेरे डैड की आत्मा है सर। सुजैन, लोला अब एक एक करके अपने कातिलों से बदला लेगी। कहानी तो अब शुरू हुई है सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पागल हो गई हो? गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे निकल सकती है? ये सच है और तुम भी जानते हो। उस कार में डैड की आत्मा है और जब तक वो अपने कातिलों से बदला नहीं ले लेते, वो कार गोवा की सड़कों में घूमती रहेगी, भटकती रहेगी। पता है ना तुम्हें? सैन, ये बकवास मत करो, बंद करो। नहीं है ये, सच है और तुम भी जानते हो। डैड जिंदा है, डैड जिंदा है। सुजैन, सुजैन, ये गाड़ी में भूत बदला मामला क्या? इंस्पेक्टर सलगांवकर, शायद आप जानते नहीं, कुछ सालों पहले एरिक के पिता जेम्स सिक्वेरा की हत्या हो गई थी। चार लड़के थे जिनमें से सावियो भी एक था। चार दोस्त थे वो, मार्क, डेविड, सावियो और निखिल, जो गोवा के बहुत बड़े कार डीलर्स थे। वो डैड की कार को खरीदना चाहते थे क्योंकि वो एक विंटेज कार थी जिसके पूरी दुनिया में सिर्फ 5 नंबर्स थे, और डैड के लिए वो कार को बेचना जैसे अपनी औलाद का सौदा करना। इसीलिए ये लो तुम्हारे पैसे। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया कि मुझे मेरी लोला को नहीं बेचना है। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और मुझे तंग मत करो। क्या करोगे इस गाड़ी का अंकल? कब्र में लेके जाओगे क्या? मैं कहीं भी लेके जाऊं उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम लोग यहाँ से निकलते हो कि नहीं, या मैं मेरे बेटे एरिक को बता दूं? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये लो हमारा कार्ड अंकल। माइंड चेंज हुआ तो कॉल करने का, और चेंज करो माइंड वरना नेवर माइंड। जब साम और दाम से काम नहीं हुआ, उन चार दोस्तों ने दंड से डैड को डराना शुरू किया, वो भी इस उम्मीद में कि डर के मारे वो उन्हें गाड़ी बेच देंगे। क्या चाहते हो मुझसे? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम हमें परेशान करना कब बंद करोगे अंकल? बेच दो ना गाड़ी। कभी नहीं। अबे बुढ़े को नहीं, इसकी लोला को चाकू मार। मार खराब साली को। गुड आइडिया। मेरी लोला को खर्च मत करो। प्लीज प्लीज प्लीज। लोला तो गई। प्लीज प्लीज। मेरी लोला को खर्च मत करो। अरे बुढ़ा गया। अरे बुढ़ा गया मैं। आया। उन चार दोस्तों ने तेरे डैड का मर्डर कर दिया, जिसका केस मैंने उन पर किया, लेकिन वो केस काफी दिनों तक चला। पर चारों बड़े बाप की औलाद थे, बिना सबूत और पैसों की पावर से चारों बच निकले। जाहिर है एरिक की तुम्हें और सुजन को इस बात का बहुत दुख हुआ होगा। इस बात का असर सबसे ज्यादा सुजैन के दिमाग पर पड़ा। Thank you.
थॉमस सुजैन, उन चारों को उनके किए की सजा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। ये फ्रीजर क्यों भौंक रहा है? चलो स्टार्ट किया। चाबी तो मेरे पास है। एरिक, मैंने कहा था ना कि डैडी की मौत के बाद उनकी आत्मा इस दुनिया से नहीं गई है, वो इस लोला में है। पता है, मैंने कल देखा था, कल रात इसके वाइपर्स अपने आप ऑन हो गए। और दिमाग सही है? डैड की आत्मा इस गाड़ी में, मैंने देखा। बस, और कुछ नहीं। चलो सुजैन। और उसके बाद कई बार वो गाड़ी अपने आप शुरू हो जाती, कभी मैं खुद देखता, कभी सुजैन से सुनता। एरिक, एरिक, वो लोला, लोला ले लो, गैरेज में नहीं है। चलो लोला, कहीं उन कमीनों ने इसे चुरा तो नहीं लिया? चलो कब्रिस्तान? मतलब गाड़ी कब्रिस्तान में? पर कैसे? कौन है गाड़ी में? बाहर आओ। मैंने कहा कौन है गाड़ी में? कार्टील? ये तो उन चारों की कंपनी है। ये क्या हो रहा है सुजैन? पता नहीं, लेकिन उस रात के बाद मैं बहुत घबरा गया था। और इससे पहले मैं भी सुजैन की तरह उस गाड़ी में डैड की आत्मा वाली कहानी पर बिलीव करने लगता। मैंने उस गाड़ी को बेचने का प्लान बनाया। हाँ, और उसके बाद की कहानी तो हम जानते हैं। और ये कहानी मुझे भी पता है, किसी ने कब्र खोदकर गाड़ी चुरा ली होगी और यहाँ से आ गया होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी यहाँ से कैसे जा सकती है? अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? सर, गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है और उसकी दूसरी चाबी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए। ये तो है, लेकिन इस चाबी की डुप्लीकेट भी तो बन सकती है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चाबी की कॉपी बनाने वाला यहाँ कोई नहीं है। डैड की गाड़ी इसी चाबी से चलती है और किसी से नहीं। अरे सारा क्या करूं यार, मच्छरों का क्या करूं? अरे मच्छर मारने की दवा तो छिड़क दो यहाँ पर। अरे भाई सुन रहा है क्या? अरे कम से कम मच्छर दानी दे दो यार, नहीं तो केस से पहले ये मेरा खून चूस जाएंगे। अबे मर जाऊंगा मैं, क्या करूं यार। ये यार क्या करूं? केडी, ओ तुम यहां भी आ गए? मैं तो यहां पे आपसे आपका हाल पूछने आया हूं। सालों लग जाएंगे यहाँ पे, लाखों खर्च हो जाएगा, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? अब भी कह रहा हूँ,
अपनी गाड़ी मुझे बेच दीजिए, अच्छी कीमत दे दूंगा। एक तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू करोड़ों से ज्यादा, और दूसरी बात मैं बहुत जल्दी इस जेल से छूट जाऊंगा। केडी पर मुझे फुल भरोसा है, इसके लिए अपनी फिक्र रखो अपनी जेब में और दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत मच्छर काट रहे हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी बाहर नहीं आओगे यहाँ से, देख लेना तुम। चल चल देख लेंगे, जा चल दफा हो जाओ यहाँ से। साला धमकी देने आया हमको, गाड़ी बेच दूं इसको। मेरी बात पर कोई बिलीव ही नहीं करता, एरिक भी नहीं। लेकिन लेकिन तुम तो करते हो ना। वो कार जिंदा है। That is back. गाड़ी तूने निकाली ना कब्र से? कौन सी गाड़ी? कब्रिस्तान तो अपनी नानी के कब्र पर गया था या किस कारा की कब्र पर? उस गाड़ी को खोदने, तू मेंटल हो गया है। गाड़ी कब्रिस्तान में। हाँ, और अब गायब है। मेरे को लगता है वही गाड़ी इसने सहवियों को और उस रात मुझे भी मारने वाली थी। तू ये है ना इसके पीछे, ताकि उसे बेच कर किसी को शेयर ना देना पड़े। तो कुछ भी बोल रहे अब। क्या कुछ भी? देख रहा हूँ कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, समझा? और वैसे भी मेरे को तेरे साथ काम वाम करने का नहीं है। अपन अपना बिजनेस अकेला करेगा। ये ले पकड़ तेरा कार्ड, इट्स ओवर। किसका मजाक है मार्क? तो मजाक मत कर मार्क। मार्क ये क्या सुन सकता है? नहीं 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 नहीं, वो गाड़ी कब्रिस्तान से गायब है जी योर ऑनर। और वो गाड़ी इस समय गोवा की सड़कों पर घूम रही है, क्योंकि कल उसी गाड़ी द्वारा एक और हत्या हुई है मोरजिम रोड पर। निखिल डिकॉस्टा
लेकिन मिस्टर पाठक आप शायद भूल रहे हैं कि निखिल के एक्सीडेंट का तो कोई आई विटनेस है ही नहीं। तो फिर आप बिना किसी जांच पड़ताल के बिना देखे ये कैसे कह सकते हैं कि उसी गाड़ी ने उसे कुचला होगा? मिस्टर सूजा, आई विटनेस ना सही, पुलिस की रिपोर्ट तो है जो संभवतः आपने पढ़ी थी। योर ऑनर, पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार निखिल के मृत शरीर के पास जो टायर के निशान पाए गए वो 1960 की वोल्सली विंटेज कार के है। उसके बेल्ट पर जो गाड़ी के पेंट की खरोचे हैं वो सफेद रंग की, अर्थात सफेद 1960 वोल्सली विंटेज कार, जो गोवा में दो ही हैं यार, एक जिलमिल झवेरी की जो उस समय पुलिस की हिरासत में, और दूसरी वाली एरिक सिक्वेरा। इस एविडेंस के बाद तो आपका केस काफी मजबूत हो गया मिस्टर पाठक। गोवा में एक और व्हाइट वॉल्सली कार और फिर एक और मौत, जबकि मिस्टर जिलमिल झवेरी और उनकी गाड़ी दोनों पुलिस हिरासत में है। अब मुझे लग रहा है कि सावियो को उसी गाड़ी ने कुचलकर मारा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। आखिर मिस्टर पाठक ने अपने प्यारे दोस्त मिस्टर जिलमिल झवेरी को बेगुनाह साबित कर ही दिया। वंडरफुल। और अब तो जज साहब भी आप ही के साथ। कमाल के लॉयर है। लेकिन योर ऑनर, इससे पहले कि हम ये केस रफा दफा करें, मेरे पास भी एक छोटा सा आखिरी गवाह, क्या हम उसे भी सुन ले? Only if the great Mr. Pathak allows, shall we? Please अपना नाम और अपना काम बताइए। हमारा नाम है सूर्यकांत मिश्रा, जो पंजीम रोड पे GKB का जो ATM है वही हम रखवाली करते हैं। ठीक है, तो सूरजकांत जी, ये जो पंजीम रोड का चौराहा है वो हमेशा आपके सामने होता है, राइट? क्या आप बता सकते हैं कि 23 दिसंबर को आपने वहाँ पर क्या देखा? और जरा ठीक से बताइएगा ताकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो ठीक से सुन सके और देख सके। हम अपनी पोजीशन पर बैठे हुए थे जैसे कि हम होते हैं। हमने देखा कि यहाँ से एक व्हाइट कलर की गाड़ी आ रही थी, बड़ी तेज जा रही थी और वो सर चला रहे थे, और यहाँ से एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था और दोनों का एक्सीडेंट होने वाला था। उतने में मैंने देखा कि दोनों गाली गलौज करने लग गए और धमाल करने लग गए, और ये सांप जो है ये हुआ था। ए, 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 हीरो दिखाई नहीं देने गया, बीच में भसड़ रहा है, कट मार रहा है, काट के रख दूंगा। अबे चल 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 बेवड़े चल। ए, बेड़ा बेड़ा होगा तेरा बाप। चल अरे बेड़ा बात कर रहा है, तेरे बात छोड़ूंगा नहीं, चलेगा तेरे को छोड़ा मेरे सामने आज। अभी अभी दिखा रहा हूँ तेरे को। कौन सी फिल्म की कहानी सुना रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था केडी। ओह, तो अब समझ में आया ना कि लड़के की बाइक दूसरी गली में क्या कर रही थी। एक फिल्मी चेस, जंगलों से, झाड़ियों से, और एंड में उस लड़के का शिकार हुआ, उससे गाड़ी से कुचल दिया गया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिल्कुल सही कह रहे थे। यू वर राइट, ये एक्सीडेंट है ही नहीं, ये एक मर्डर है जो मिस्टर जिलमिल झवेरी ने नशे की धुत हालत में किया। पहले उन्होंने सावियो फरेरा के साथ लड़ाई की और फिर उसे अपनी ही गाड़ी से कुचल दिया। किस गाड़ी से? इस गाड़ी से। ये पहले आप ये बताइए कि अचानक आप आज जागे हैं ये बात बताने के लिए, पहले क्यों बता? सर हम गांव गए थे सर, कल ही तो लौटे हैं सर। छुट्टी पे, न्यू ईयर मनाने। तो क्या ये सब आपने स्वयं देखा वहाँ चौक पे होते हुए? ये गाड़ी थी, ये गाड़ी। अरे सर, फोटो देखने की कोई बात नहीं है सर, हमारी भगवान के दया से सर चील जैसी आंखें हैं और सर हाथी जैसी मेमोरी है सर। सर यही वो गाड़ी थी। अच्छा, ये साहब चला रहे? जी सर, सही चला रहे। वो फिर अकस्मात वो मोटरसाइकिल के साथ बाइक के साथ, वो बाइक की फोटो है मेरे पास, उन तरफ फोन देना। एक्सक्यूज मी मिस सुजा, आई जा। ये देखो, ये बाइक थी। हाँ सर, ये वही बाइक है सर, और नंबर प्लेट भी वही है सर। पक्का? हाँ सर, यही वो बाइक थी सर। योर ऑनर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये जिस बाइक की बात कर रहे हैं ये मेरे सहायक वरुण की बाइक है। वरुण था मुंबई में, झिलमिल था गोवा में, फिर दोनों के वाहनों में टक्कर कैसे हो सकती है? जिस बाइक की आप बात कर रहे हैं, सावियो की बाइक, वो ये दोनों एक दूसरे से अलग।
आप बताइए कि ये जो झूठ आप बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं? सर लेकिन वो पाई कैसी थी सर, लगता है हमें धोखा हो सकता है सर। नहीं नहीं नहीं, धोखा तो आप दे रहे हैं हम सबको अदालत में, क्योंकि सावियो की बाइक जो है वो ऐसी है, दोनों बाइक एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। अब बताइए क्यों धोखा दे रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप अदालत में? सर वो पैसे मिले थे सर। हाँ पैसे ही मिले होंगे, पुण्य कमाने के लिए तो अदालत में कोई झूठ बोलता नहीं। किसने दिया आपको पैसे? सर वो हमने बास सर के कहने पे किया था सर। बास साहब ने? कहाँ गया वो? सर वो भाग चुका है, लेकिन मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, बच कर नहीं जा पाएगा वो। योर ऑनर, कब्रिस्तान से उस गाड़ी का लापता होना, अदालत से वाज साहब का लापता होना, इस बात का संकेत है कि इस केस में और भी कुछ है जो हमें इस समय दिखाई नहीं दे। इसी कारण मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि जब तक दोनों मिल नहीं जाते या दोनों में से कोई एक मिल नहीं जाता, इस कार्रवाई को यहीं स्थगित की जाए। आई एग्री मिस्टर पाठक, ये अदालत मिस्टर वाज और उस गाड़ी के मिलने तक एडजोर्न की जाती है। द कोर्ट इज एडजोर्न्ड। केडी अब मैं समझा, ये सब वो शैतान वाज करवा रहा है। पुरानी गाड़ियों का शौकीन है, कब से मेरे पीछे पड़ा मेरी कार के लिए। तो इसलिए उसने तुझे फंसाया था कि तू जेल चला जाए और तेरी गाड़ियों से मिल जाए। हाँ मेरा ख्याल है कि दूसरी कार भी उसी ने चोरी की होगी, दीवाना है वो इस तरह के मॉडल का, कुछ भी कर सकता है वो। चिंता मत कर, कार पानी कर ले। हेलो, एक घंटे में मेरी टिकट रेडी रखो, मैं गोवा से बाहर जा रहा हूँ। हाँ जल्दी। कौन कर रहा है इसे? तू? यही सवाल तो मैं तुझसे करने वाला था। उस बुड्ढे की मौत के बाद हम चारों में झगड़ा हुआ और हम अलग हुए, लेकिन सैवियो की मौत के बाद मुझे तुम दोनों पर शक था, तुझ पर और उस निखिल पर। अच्छा, निखिल के मरने के बाद मुझे तुझ पर शक हो रहा था। मार्क, उस गाड़ी पर पहली नजर तेरी गई। हाँ लेकिन उस बुड्ढे को धमकाने का प्लान तो तेरा ही था ना। कहाँ है वो गाड़ी? तूने खोदी ना कब्रिस्तान से? मैंने नहीं, तूने। इससे पहले कि तू कुछ करे मैं जा रहा हूँ। निखिल और सावियो की हत्या के बाद मुझे लगता है कि उस गाड़ी का अगला शिकार मार्क या डेविड होगा। साहब को लगता है कि गाड़ी अपने मालिक का बदला खुद ले रही है। ये तो तभी पता चलेगा बोल, जब वो गाड़ी अपने हाथ में आएगी। तब तक तू डेविड का साया बन, मैं मार्क पे नजर रखता हूँ। पर हाँ, इंस्पेक्टर सलगांवकर की भी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है सर। सर मार्क अपने घर पर ही है, लेकिन डेविड का कोई पता नहीं। जितनी जल्दी शहर से कल्टी मार लो बेहतर होगा। क्या हुआ, हो गई कटारा बंद? आज मैं तुझे बंदी कर दूंगा। उस बुड्ढे की आत्मा के साथ आज तेरी भी चिता चलेगी। ये नहीं हो सकता, ये तो मर चुका है।
ये जाल में। तेरे के पीछे तो कोई नहीं है, खाली गाड़ी। खाली गाड़ी ऐसे? डैडी, मैंने उस गाड़ी के पेट्रोल टैंक पे गोली मार दी है, अब वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। डेविड तो मर चुका है, इस गाड़ी का तीसरा शिकार। अब बचा सिर्फ मार्क। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मुझे बचा लो, वो गाड़ी अब मुझे भी मार डालेगी। सर प्लीज सर मुझे बचा लो, वो उस बुड्ढे की मौत का बदला हमसे ले रही है, हम ही ने मारा था उसे, हमारे धमकाने की वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ था। सर सर प्लीज मुझे बचा लो, हमने कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। सर सर प्लीज सर मुझे जो सजा देने दे दीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लो सर। ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एरिक, नहीं रात को कहां से आ रहे हो? और ये हाथ में कपड़ा, इसमें से पेट्रोल की स्मेल आ रही है। एरिक दिखाओ मुझे। तुम सोई नहीं अभी तक? जाओ जाकर सो। नहीं, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ। कहानी खत्म हो गई। डेविड भी मर चुका है और मार्क ने भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। डैड का बदला खत्म। बदला खत्म? पूरे गोवा की नाकाबंदी कर दी है कार और उस वैन के लिए। हेलो, क्या वॉच पकड़ा गया? हाँ, बॉर्डर पे। ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। केडी, वॉच पकड़ा गया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, अब बस वो गाड़ी मिल जानी चाहिए। नहीं मिलेगी साहब, भूत आज तक किसी के हाथ आया है? ये गाड़ी यहां कैसे? ये देखो चौहान, ये तो मेरी गोली के निशान है, लेकिन ये गाड़ी यहां पहुंची कैसे? गाड़ी ने तो अपने आप पुलिस को हवाले कर दिया, इसका बदला पूरा हो गया। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गाड़ी, उस गाड़ी में जेम्स सिक्वेरा की आत्मा है। पहले मुझे भी ऐसे लग रहा था शायद मेरे दोस्तों में से कोई ये सब कर, निखिल या फिर वो डेविड। लेकिन पहले निखिल मर, उसके बाद मैंने डेविड को अपनी आंखों से उस गाड़ी के नीचे मरते हुए देखा। उस गाड़ी में जेम्स सिक्वेरा की आत्मा है, मैंने खुद देखा है सर। देखो ये अदालत है, यहाँ ऐसी बातें मायने नहीं रखी जाती। मुझे ये बताओ कि अचानक वो गाड़ी आज सुबह पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? आत्मसमर्पण योर ऑनर। लोग कहते हैं
कि ये गाड़ी की जो आत्मा है उसने अपने मालिक के हथियारों का बदला लिया और फिर खुद को सरेंडर कर दिया। योर ऑनर, इससे पहले कि बिना सर पैर की बातों से हम अदालत का समय और नष्ट करें, मैं बाद साहब जो पिछली अदालत में यहाँ से भागे थे उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा कि ये माजरा क्या है। सर, I'm sorry. क्यों सॉरी बोल रहे हैं आप, ये तो बताइए क्यों सॉरी बोल। वो मिस्टर छिलमिल को गलत इल्जाम में फंसाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर, कैसे फंसाया आपने बताइए अदालत को। जी वो जो सैबी की खून से सना टी शर्ट का कपड़ा मिस्टर छिलमिल की गाड़ी के बम्पर से मिला था, मुझे पता चला कि छिलमिल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं साइट पे गया, वहाँ मुझे सेवियो की टी शर्ट कपड़ा मिला। उसके बाद मैंने वो कपड़ा लेके छिलमिल जी के घर जाके उनकी गाड़ी पे लगा दिया। हाँ, और वो बस वाला किस्सा खंबे से जो लगवाया था इनके छिलमिल के एक्सीडेंट को कवर अप करने के लिए, वो भी जी उसको भी पैसे मैंने ही दिए। सर उस खंबे का ऐसा टक्कर मारी ना, उसके अगले पिछले सब गोल हो गए। इतने में क्या होगा सर, इतना तो बस की ट्यूटी लाइट की है, बाकी मेरी जान का क्या। और वो नकली गवाह सिक्योरिटी गार्ड सूरज कांत जो गवाही उसने दी, वो भी उसको भी मैंने ही भेजा था। साहब निखिल और डेविड का मर्डर भी, वो भी मैं क्या। नहीं नहीं जज साहब, मैंने किसी को मरवाया नहीं ना मारा है, मैं तो सिर्फ झूठे गवाह और सबूत इकट्ठे कर रहा था जिससे मिस्टर झिलमिल जेल चले जाए और उनकी लावारिस गाड़ी मेरे नाम हो जाए। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं चाहा था। तो फिर आपको क्या लगता है किसने मारा होगा उन लोगों को। मुझे तो लगता है कि इस लड़के मार्क ने मारा है उन्हें। ऑर्डर ऑर्डर, 2 महीने पहले आया था मेरे पास और बोल रहा था कि मिस्टर झिलमिल जैसी गाड़ी मेरे को लाके देगा। एसी ने मारा है, पैसे बांटने ना पड़े इसलिए अपने दोस्तों को भी मार दिया। अगर मेरा इस कांड में हाथ होता तो अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों करता। सर अगर किसी को गिरफ्तारी करना है तो एरिक सिक्वेरा को कीजिए। हम चारों से केस हारने के बाद उसने हम चारों को धमकी दी कि हम चारों से एक एक करके बदला लें। वही हो रहा है सर, यही कर रहा है सब। हाँ, दी थी धमकी, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एरिक, आपने बताया था कि वो गाड़ी सिर्फ उस चाबी से चलती है, वो चाबी आपके पास है। हाँ, इनफैक्ट वो चाबी अभी भी मेरे पास ही, ये देखिए अभी भी ये चाबी मेरे पास ही। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता कि ये असली चाबी है। क्योंकि असली की चेन तो यही है। बैठे करो। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक वरुण को इंस्पेक्टर सलगांव के साथ ये चाबी लेकर भेजना चाहूँ। अनुमति है। ये तो गलत चाबी है। गलत चाबी? हाँ गलत चाबी। किचन तुम्हारा ही है लेकिन इसमें जो चाबी लगी वो नकली चाबी। ये कौन कर सकता है। इनफैक्ट ये चाबी तो हमेशा मेरे पास ही रहती, मेरे घर पे, मेरी निगरानी पर। ये और सुजैन के अलावा और कौन कर सकता है। ये GRI जो लिखा हुआ ये क्या है। गोवा रोबोटिक इंस्टीट्यूट। गोवा में एक बहुत बड़ा रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट है जहाँ मेरा होने वाला जीजा विंसेंट पढ़ाता है। विंसेंट मतलब सुजैन का फियांसे मंगेतर। हाँ, पर क्यों? द कोर्ट इज एडजॉर्न।
में से क्या है, यहाँ क्यों आए हो? मुझे मालूम है कि तुम उस कैमरे से मुझे देख सकते हो। क्या कर रहे हो? तुमको बोला था ना कि ये गाड़ी, अगर अगर एरिक ने देख लिया तो उसको मुझ पर शक हो जाएगा। विंसेंट, विंसेंट, स्टॉप, दिस इज नॉट फनी। और ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, मेरा काम पूरा हो गया है, मेरा बदला पूरा हो गया है। इससे पहले कि मुझ पर किसी को शक हो जाए, ये गाड़ी पुलिस स्टेशन में छोड़ कर आओ, अभी के अभी जाओ। का ड्राइवर विंसेंट नहीं, मेरा सहायक वरुण था। लेकिन इस केस की पूरी ड्राइवर तो तुम निकली। योर ऑनर, ये चाबी ही इस केस की चाबी निकली। गोवा रोबोटिक इंस्टीट्यूट है, जहां सूजन के मंगेतर विंसेंट एक उच्च स्तर के वैज्ञानिक जो रिमोट कंट्रोल से यंत्रों को चलाने में निपुण है, उसी निपुणता का उपयोग किया सूजन। हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया ये सब, मैंने किया ये सब। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे ही कहने पर विंसेंट ने डैड की कार में एक रिमोट एक्सेस ड्राइविंग सेंसर और एक कैमरा फिक्स किया, जिसे एक वीडियो कंट्रोल से मैंने कंट्रोल किया। लोगों को यह भ्रम हो कि उस गाड़ी में तुम्हारे पिताजी का भूत है। लेकिन कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि उन्होंने खुद उस आत्मा को देखा है उस गाड़ी में। उचित प्रश्न मिस्टर सूजन। 3D रियल टाइम होलोग्राफिक गाड़ी में एक छोटे से प्रोजेक्टर द्वारा उनके पिताजी की छवि प्रोजेक्ट होती थी, इसीलिए लोगों को यह भ्रम होता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उन चार लड़कों ने जिन्होंने मेरे डैड को मार डाला, उनका तो आपके कानून ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने किया। मैंने अपने डैड का मौत का बदला लिया उसी कार के जरिए, जो कार उनकी मौत का कारण बनी। I killed them all. The defense rests. ये अदालत मिस सुजैन सिक्विरा को निखिल डिसोजा, सेवियो फरेरा और डेविड एडम्स की हत्या में दोषी मानते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती हैं, और सुजैन के मंगेतर विंसेंट गोम्स को उनके भागीदार होने के इल्जाम में अरेस्ट करने का हुक्म देती है। और रही बात मिस्टर जिलमिल जवेरी की, तो आप इस केस से बाइज्जत बरी की जाते हैं। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी, तूने मुझे बचा लिया। केडी, कांग्रेचुलेशन। मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि ये केस तुम ही जीतोगे। वैसे अनीता, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, जो तुम बात कहती हो होता उसको उल्टा ही है, लेकिन आज तो पासा सीधा पड़ गया, बदल गई तुम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.